हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, एक्सरसाइज 8.6 का एंड चैप्टर इज डेसिमल्स। देखो तो क्वेश्चन क्या कि टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन, देन टेल अस हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। यानी कि टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर का कपड़ा था, काफ़ी बड़ा। देन उसमें से उसने इसको क्या किया, काट लिया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके, ताकि वो कर्टेन बना सके, यानी कोई पर्दा वर्दा बना सके। देन हाउ मच, अब उसके पास बचा कितना वो हमें बताना है। तो देखो काफ़ी सिंपल है, टोटल में था टोटल में था 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यही है। देन उसमें से कट कितना किया, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इतना उसने कट कर लिया। तो बताना कि बचा कितना। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर किसके कुल होते हैं, 1 मीटर के, यही होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देन हम ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देन 5 सेंटीमीटर कितने के होगा, देन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर, विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर, यही होगा। देन कन्वर्ट करेंगे 50 सेंटीमीटर को, आ जाइए तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100 मीटर। देन क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.5 मीटर। अब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे कैसे, देखो इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ अब हमारे पास मीटर में आ गई है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 20 था एंड साथ में था 5 सेंटीमीटर, तो 20 पॉइंट ये लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर, 20.05 सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये था 4 एंड ये था साथ में 50 सेंटीमीटर, को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 0.5 मीटर। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 प्लस 0 हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें बचा हुआ बताना ना, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 0 ये हो जाएगा 5, ये है 0, तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा, ये हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 10 का 9, ओके। देन देखो 10 एंड 0 कितना हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा। देन इधर आ जाओ, हाँ जी वेट अ मिनट, ये 5 रह गया, देन ये आ गया 10 में से 5 गए 55, वेरी गुड। देन हमारे पास क्या आएगा, देखो ये है 9 एंड ये है क्या, 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 एंड ये था 2 एंड ये हो जाएगा 1, ओके। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 15.55 मीटर ऑफ क्लॉथ उसके पास अभी बचा हुआ है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास आई थिंक 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रह गए, जल्दी से कर लेंगे, एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, ओके, थैंक यू।